सारे मकानों में दरारे हो कि उनकी जो कि हमारे यहाँ लकड़ी के मकान है। ब्लास्टिंग बस जब उनकी मर्जी है, रात को हुआ तो दिन में हुआ, बस सारा मकान हिल गया, बस पहले दरारे पड़ गया, हमारे तो मकान ही जल गया। और ये दरार आ रहे जो फिसल रहे, जो अभी फिसल रहे हो सुरंग से, आज तक नहीं फिसला यहाँ पर, अगल बगल में कहीं नहीं फिसला। इस सुरंग का जो प्रभाव देखने को मिला है मेरे निकटवर्ती गांव ग्राम सभा जो जामक है, ये मेरे गांव से 2 किलोमीटर ही फासले पे है, लेकिन इस गांव के नीचे जो सुरंग बनी है उसका खामियाजा हमें 1991 में आए विनाशकारी भूकंप में मिला है, क्योंकि वहां सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उसका कारण भी यही सुरंग थी, जो डाम जो मनेरी भाली प्रथम चरण की जो सुरंग बनी है उसी गाँव के नीचे बनी है। Point 13. An information center shall be set up to provide all information about the project to the local people. What one does come across is the lack of public knowledge about any such center as well as the project in general. Mahila bata na to pata na madro bata to koi mahila logo ko bataya nahi gaya nahi to aapko malum hai ki kaan ka jhil kahan banega pani kahan chhodega aapko pata nahi kuch pata nahi pata nahi kuch पर्यावरण पे क्या असर होगा नहीं पता। हमारे तो पूरा विरोध है जी, हमने मीटिंग में भी विरोध किया था, मीटिंग में तो यही बताया गया कि अब बांध नहीं बन रहा। जाला में हुई थी 2 बार मीटिंग, तो हमने डीएम साहब को भी हमने पूरा क्षेत्र के प्रधान जाके कहा, एक प्रस्ताव दिया था कि यहाँ पे कोई टेस्टिंग ना किया जाए, और अभी हमको ये पता तो है नहीं कि कोई बता भी नहीं रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारा तो गाँव एकदम 1 मीटर भी मतलब नहीं है, ऊपर नदी एकदम पास है। Point 14. Complete details about the project shall be published in newspapers and redressal of public grievances must be ensured. अभी तक हमको कुछ नहीं मिला, हम खुद उनके ढूंढ में जाते, जब हमारे यहाँ ब्लास्टिंग आई उन्होंने कोई न सुनाई की न हमको पूछा है, खुद हम उनके ढूंढ में जाते हैं, लेकिन NTPC को जब हम मिलने जाते हैं उनके जो महाप्रबंधक है अभी तक हमको मिलने के लिए तैयार नहीं, जो कि हम इस गाँव के जनप्रतिनिधि हैं, तो आम आदमी को क्या मिल सकता है। जिस टाइम वो ब्लास्टिंग हुआ उस टाइम मैंने हाथ खींचा, 2 बेटे आए रहे वहाँ पर हमारे घर में, मैंने बोला बेटा ये ब्लास्टिंग नहीं है, ये झूठ है तुम्हारा, ये बवाली है तुम लोग सब, मेरे बात सुनो, मैंने ऐसा खींचा हाथ को, और उसने बोला माँ तुम चुप रह जा, तुम बात कर, मैं चुप नहीं रहे ना, हमारे तो कुकर का ढक्कन उड़ रहा है। Conditions of public hearing held for the proposed hydroelectric power project shall be strictly implemented. इसकी जब जन सुनवाई हुई क्या आपको कोई सूचना मिली थी? ना हमको कोई सूचना नहीं मिली। आपके गांव में नहीं मिली? ना ना हमको अभी तक सूचना हो सके इधर उधर लोगों को भी नहीं मिली सूचना, जो हमारे अड़ोस पड़ोस के, हमने सबसे पूछा कि सूचना आपको मिली कि नहीं मिली। आप प्रधान हैं? मैं प्रधान हूँ सालंग इसी गाँव का, वैसे लगभग मैंने कई प्रधानों से पूछा कि आपको सूचना मिली, सभी ने कहा कि हमें कोई सूचना। तो अगर अखबार अखबार में उन्होंने लिखा तो अखबार आता है गांव में? ना जी अखबार तो नहीं आता है। सिर्फ एक हमें ये बताया गया कि आज पर्यावरण सुना, हमने उस पर विरोध भी किया था, किसके दस्तावेज हिंदी में होने चाहिए। जन सुनवाई जहाँ पर हुई होगी चंद लोगों को इकट्ठा किया गया और जन सुनवाई यानी कागजों में कर दी गई, आज तक हमारे पास कोई भी ऐसे दस्तावेज नहीं है, किस जन सुनवाई में क्या प्रभावित हमको, हम लोग जो है कैसे प्रभावित होंगे, क्या इस क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मुझे आज तक तो कुछ जन सुनवाई में आप नहीं गए? नहीं गए हम तो, आपको मालूम नहीं पड़ा? नहीं जन सुनवाई का हमें कोई मालूम नहीं है। मेरे को तो मालूम हो गया था, मैं तो गया था डबरन तक गए थे, हम तो मना किया था हमको, उसमें क्या कहते हैं नहीं मन यहाँ होना चाहिए काम, और कुछ लोगों को पता ही नहीं गांव में वो कैसे नहीं जा पाए, तो इसलिए जो है हम इस बारे में हम स्पष्ट मना है उन लोगों से कि हम डाम नहीं बनना चाहिए। मेरे गांव को किसी को जन सुना तो किसी को भी पता नहीं है, ना तो लोग उस मीटिंग में रहे न किसी को पता है कुछ नहीं हुई। इसके विषय में तो जानकारी नहीं कि जन सुनवाई क्या होती है, क्या चीज़ है, इसकी वजह क्या है, न तो किसी गाँव वालों को किसी ने पूछा, न जन सुनवाई हुई। On 28th of May 2007, growing concern caused 9 villagers from different villages to sit down and ask for more information regarding the projects via the right to information. Till date, only one person has received a reply after almost 3.5 months and reminders. Amidst all this chaos, if one thought that one of the stated positive impacts,
job opportunities for the local population would mitigate matters slightly. Here again, the truth is vastly different. Till October 2007, the latest list provided by the NTPC stated a total of 56 people working on temporary basis and another 36 whose status is not clear. Maneri Dam 1, operational since over a decade, employs 70 people, only two of whom are junior engineers. The rest are below that, working as drivers, peons, shramiks, etc. The population of this district is almost 3 lakhs. Even the environmental impact analysis conceded that jobs with NTPC. The proposed hydroelectric project do not envisage significant job opportunities to the local residents in the unskilled and semi-skilled category. However, preference will be given to the persons affected by the project if they meet the requirements.